धोरण सात नी अंदर विषुववृत्त वर्षावनो। देखिए विषुववृत्त नजीकना भाग में होवाने कारण विषुववृत्त प्रदेशों की आबोहवा सामान्य रीते गरम हो नजीक है। विषुववृत्त ठंडक महीनाओं में सामान्य तापमान 15 डिग्री सेल्सियस करता वधारे हो छे। ठंडक ना समय में गरम उनाळा में तेमनुं तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ने ओगळीने वधी शके छे। समग्र वर्ष दरमियान दिवस अने रात्रिनो समयगाळो लगभग समान होय छे, एटले के सरखो होय छे। आ प्रदेशों खूब ज भारे वरसाद अनुभवे छे, वधारे वरसाद पड़े छे त्यां आगळ। विषुववृत्त वर्षावनो ए आ विस्तारनी अगत्यनी खासियत छे। आसामनो पश्चिम घाट भारत में दक्षिण एशिया मध्य अमेरिका और मध्य आफ्रिका में विषुववृत्त वर्षावनो मळी आवे छे। बराबर सतत उफाळी परिस्थिति और वरसाद ने लीधे आ प्रदेशों में घणी बधी जातना वृक्षों छोड़वाओ तथा प्राणियों जीवन में मदद मळे छे, एटले प्राणियों ने त्यां रहेवा माटे अनुकूल स्थान प्राप्त थाय छे। तो चालो वानरों बे पगे चालनारा वानरों गोरिलाओ वाघ हाथी दीपड़ा गरोड़ी तेमज साप वगैरह प्राणियों मुख्यत्वे विषुववृत्त वर्षावन में रहे छे, गाढ़ जंगल नी अंदर रहे छे ते लोको। आगळ तो चालो आपणे गरम भेजवाळी आंबोहवामां अनुकूलन साधता प्राणियों विषे वांचीए। हवे आगळ खूब ज मोटी संख्याना अने विविध प्रकारना प्राणियों माटे विषुववृत्त वर्षावनी आंबोहवाकीय परिस्थिति खूब ज अनुकूल अने तेमने मददरूप बने छे। विषुववृत्त वर्षावनी आंबोहवा केवी होय छे? परिस्थिति ने अनुकूल अने मददरूप थाय एवी होय छे। तेओनी संख्या घणी मोटी होवाथी तेओनी वच्चे खोराक अने आश्रय स्थान माटे तीव्र हरीफाई चाले छे। बराबर खोराक अने आश्रय स्थान माटे शुं थाय छे? तीव्र वधारे में वधारे हरीफाई चाले छे। घणा प्राणीओ वृक्ष पर जीवन गाळे छे, वृक्ष पर ज जीव रहे छे। रेड आई फॉग तेना पग पर चोटी जाए तेवुं पेड़ एटले के गादी उत्पन्न करे छे। बराबर एना पग एवा होय छे जे ते रहेता होय तेवा वृक्ष पर चढ़वामां मदद करे छे। वृक्ष पर रहेला वानरो लांबी पूछड़ी होय छे जे वृक्षनी डाळीने पकड़वामां मददरूप थाय छे। तेमना हाथ तेमज पग एवा होय छे कि जे वृक्षनी डाळीने सरळताथी पकड़ीने रही सके छे, सरळताथी पकड़ी राखे ने। खोराक माटेनी हरीफाई ने कारणे सरळताथी प्राप्त न होय, सरळताथी प्राप्त न थाय तेवा खोराक सुधी पहोंचवा माटे केटलाक प्राणीओए अनुकूलन केळव्युं होय छे। टोंकान पक्षी लांबी मोटी चांच धरावे छे, लांबी अने मोटी चांच धरावे छे जे तेने एवी नबळी डाळ परना फळ सुधी पहोंचवामां मदद करे छे कि जे डाळी तेनुं वजन सहन करी शकती न होय, एटली वजनदार होय छे कि डाळी शुं थई जाय छे? तूटी जाय, एनुं वजन सहन करी शकती नथी। घणा विषुववृत्त प्राणीओ संवेदनशील ध्वनि परख तीक्ष्ण नजर जाड़ी चामड़ी अने आसपास साथे भळी जाय तेवो चामड़ीनो रंग बदलवा माटेनी व्यवस्था छदमावरण धरावे छे, शोधवामां ए धरावे छे जे तेमने तेमना शिकारीओथी रक्षण पूरु पाड़े छे, तेमनो कोई शिकार करी शके नहीं। उदाहरण तरीके मोटी बिलाड़ीओ तेमज सिंह वाघ जाड़ी चामड़ी तेमज संवेदनशील ध्वनि परख धरावे छे। सिंह जेवी पूछड़ी धरावतो वानर पश्चिम घाटना वर्षावन में रहे छे। सिंह जेवी पूछड़ी वो वानर एटले के वांदरो ए क्या रहे छे? पश्चिम घाटना वर्षावन में जे तेना माथा पर गाल थी दाढ़ी सुधी
रूपेरी सफेद केस वाली धरावे छे, जे झड़पथी ऊंचे चढ़ी सके छे अने पोताना जीवननो मोटा भागनो समय वृक्ष पर ज वितावे छे। पोताना मोटा भागनो समय क्या रहे छे? वृक्ष पर ज रहे छे। ते माटे भागे फळो ते मोटे भागे फळो बीजा कूणा पांदड़ा डाळियो फूल तथा फूलनी कळीनो खोराक खाए छे। आ बियर्ड एप झाड़नी छालनी नीचे रहेला जीवड़ा ने पण शोधीने खाई जाए छे। एनी नीचे जे छाल नीचे जे बधा जीवड़ा होय एने पण ते शुं करे छे? खाई जाए छे। तेने वृक्ष पर ज पूरतुं भोजन मळी रहेतुं होवाथी ते भाग्ये ज जमीन पर आवे छे। वृक्ष उपर ने वृक्ष उपर एने जमवानुं मळी जाय छे, त्यां ज भोजन मळी जाय छे। आगळ भारतना विषुववृत्तीय वर्षावनुं बीजुं जाणीतुं प्राणी शुं छे? हाथी। हाथी ए घणी ज नोंधपात्र रीते वर्षावनमां अनुकूलन मेळवेलुं छे, बराबर। तेनी सूंढने जुओ, जे तेनो नाक तरीके उपयोग करे छे। नाक तरीके उपयोग करे एनी सूंढ छे, એનો ઉપયોગ ખાવામાં બી કરે છે અને સૂંઘવામાં બી કરે છે, જે ગંધ પ્રત્યે અત્યંત સંવેદનશીલ છે, ઝડપથી એને ગંધ આવી જાય છે। ખોરાકને પકડવા માટે પણ સૂંઢનો ઉપયોગ થાય છે। વળી હાથીના રૂપાંતરિત દાંત વૃક્ષની છાલ જે તેનો પ્રિય ખોરાક છે તેને ઉખાડવામાં ઉપયોગી છે। આમ હાથી ખોરાક માટેની હરીફાઈને સહેલાઈથી સંભાળી શકે છે। હાથીના મોટા કાન તેને અત્યંત મૃદુ અવાજ સાંભળવા માટે મદદરૂપ છે, અવાજ સાંભળવા માટે એને કાન મદદરૂપ થાય છે। વળી તે હાથીને વર્ષાવનની ગરમ અને ભેજવાળી આબોહવા શરીરને ઠંડુ રાખવામાં મદદરૂપ કરે છે અથવા મદદરૂપ થાય છે। તો આ ભારતીય હાથીના ચિત્ર અને એના વિશે આપણે વાત કરી, તો અહીંયા ઘડી તમારો પાઠ પૂરો થાય છે। હવે આગળના વિડીયોમાં આપણે પાઠ 8 પવન વાવાઝોડું અને ચક્રવાત વિશે ભણીશું। તો 7મો પાઠ પૂરો થયો, હવે આનામાં જે કંઈ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો તમને લખવામાં આપવામાં આવે લખવા માટે એ તમારે બધાએ જે નોટમાં લખવાના રહેશે, અને ચોપડીની અંદર જે સ્વાધ્યાય આપ્યો છે એ સ્વાધ્યાય પણ તમારે લખવાનો છે।